हाय फ्रेंड्स, मैं एक नया वीडियो लेके फिर से आ गया हूँ। मेरा लोन अप्रूवल का आ चुका है। मैंने पहले इसके लिए वीडियो एक अपलोड किया था, वो मैंने डिलीट किया था कि उसका वीडियो ठीक से नहीं आया था, तो मैं फिर से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आपको मालूम होगा, आगे की वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखो, आपने नहीं देखा होगे तो। मैंने 2.5 लाख वाला पैकेज सिलेक्ट किया था, 250 वाला। 250 में इंदिरा IVF में आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। 2 अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको आपका कंसीव नहीं हुआ या आपको कुछ महीने के बाद मिसकैरेज हो गया तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट का चांस मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2.5 लाख वाला पैकेज लिया है, वो उसके लिए आपको आगे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो EMI का मुझे कितना इंस्टॉलमेंट आया है और मैंने 0% EMI वाला जो 12 महीने वो मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने ये वीडियो में बताया। मैंने आगे ये बताया था आपको कि आपको 0 EMI में जाना है तो 18333 का इंस्टॉलमेंट आएगा, उसमें से 3 इंस्टॉलमेंट्स 54,000 रुपीज़ अराउंड आपको एडवांस में पे करने रहेंगे और 8333 का 9 का इंस्टॉलमेंट रहेगा। 0 cost EMI में 2,20,000 रुपये, उसमें भी आपको 2,20,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 रुपये आपको एडवांस में पहले ही पे करने रहेंगे 2.5 लाख के पैकेज में। तो 80,333 तो मेरे 0% ही है, तो उसमें कुछ भी चार्जेस नहीं है, आपको हर महीने 19,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे। बट मेरा ऑलरेडी एक EMI चल रहा था, इसके लिए मुझे 80,000 वाला ऑफ़र नहीं मिला। मुझे उन्होंने बोला कि आपका ऑलरेडी एक EMI चल रहा है पर्सनल लोन का, तो आपको ये 80,000 वाला नहीं मिलेगा। तो मुझे ये EMI पर मंथ 9533 वाला मिला है, जिसमें 2,20,000 अप्रूवल लोन हो चुकी है मुझे, उसमें 2% मिनिमम इंटरेस्ट के साथ ये लोन मिली है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट के साथ 2,28,800 रुपये पे करने हैं। उसमें 24 इंस्टॉलमेंट है, उसमें भी 6 इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस में पे करना रहेगा। तो 57,200 मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो ये करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 1,62,000। अब ऐसा लोन तो अप्रूव 2,20,000 का है, पर ये दिखाने के लिए ये है कि आपको 2,20,000 का मिला है, आपको लोन मिली है 1,62,800, मतलब 1,63,000 की आपको लोन मिलती है 2,20 में, कि 57,000 तो ऑलरेडी आपको ये पे करने हैं। तो आप EMI के ऑप्शन में जाते हो तो आप इतना याद रखिए के 57,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ के 2.5 लाख का पैकेज है, इसलिए ये 60,000 प्लस 30,000 रुपीज़ मतलब 90,000 रुपये और प्लस मेडिसिन का आप 30-40,000 पकड़ के चलिए कि वहाँ मेडिसिन का इंक्लूडिंग नहीं रहता इसमें, तो आपको मेडिसिन का 30-40,000 रुपये एक्स्ट्रा होगा। आप ये 2 अटेम्प्ट वाला सिलेक्ट करते हो और EMI ऑप्शन में जाते हो तो आपको 1-1.5 महीने के अंदर 1,30,000 रुपये आपको पे करना रहेगा। और आप पूरा कैश में पे करना चाहते हो तो 3 लाख रुपये का अरेंजमेंट करके आपको रखना पड़ेगा 2 अटेम्प्ट वाले में, और 1 अटेम्प्ट में जाते हो तो 80,000 प्लस 30-40,000, तो 2,20 1 अटेम्प्ट में, 1 अटेम्प्ट वाले में, और 2 अटेम्प्ट में जाते हो तो आपको 3 लाख वाला 1 अटेम्प्ट का आपको 1,80,000 का पैकेज रहता है और प्लस आपको मेडिसिन का 30-40,000 रुपये 1 महीने में, तो वो कॉस्ट रहेगा। तो ये मेरा EMI का अप्रूवल का लेटर था। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, 2,20 का मेरा अप्रूव हुआ इंटरेस्ट के साथ, 2,28,24 इंस्टॉलमेंट, इसमें से 6 इंस्टॉलमेंट हमें एडवांस मतलब 57,200 मुझे पे करने रहेंगे और 80 इंस्टॉलमेंट मेरा 9533 का 18 महीने का मेरा इंस्टॉलमेंट चलेगा, ठीक है। उसमें लेट पेमेंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इतना इंटरेस्ट है, मिनिमम इंटरेस्ट है। तो ये मेरा लोन का आपको शेड्यूल बता दिया कि जिसको लोन EMI में जाना है तो 1,30,000
प्लस ये 18 महीने तक 9533 का मेरा पैकेज चलता रहेगा। तो एक से तो ऐसे तो मुझे 1.5 लाख की लोन मिली, 1.5 लाख तो मेरे खुद ही निकालना पड़ रहा है ईएमआई का ऑप्शन होने के बावजूद भी। तो और इसमें मैं पहले बता दूँ, मेडिसिन इंक्लूडिंग नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े और इजीली आपको मालूम पड़े कि क्या क्या प्रोसेस है। तो यही जानकारी के लिए मैंने आपको वीडियो शेयर किया है। और कुछ जानकारी चाहिए उसमें क्या कौन से प्रूफ चाहिए, नॉर्मल आधार कार्ड है, 6 महीने का स्टेट प्रूफ में आधार कार्ड मेरा और मेरा वाइफ का, और मेरा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लिया था और 3 महीने की सैलरी स्लिप ली थी। और तो कुछ ज़्यादा लोन में था नहीं, लोन का बिल्कुल इजी प्रोसेस था। ये नंबर पे मैंने कॉल किया था और व्हाट्सएप पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे। कहीं पे कोई वेरिफिकेशन नहीं, ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है, कोई इतना हैजल फ्री है। इजीली मेरे को लोन टाइम पे मिल गई है। तो 6 दिन को मेरी अप्रूवल हो चुकी है। तो आगे के वीडियो में मैं डे टू डे आपको क्या क्या हो रहा है मैं बताता रहूँगा। और ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए तो मेरा आगे का क्या रिजल्ट है मैं आपको बताता रहूँगा। और प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिए कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाए। थैंक यू।